रहे हैं या यूं कहें कि जंग ही छिड़ गई है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज इतने नाराज हैं कि उन्होंने चुनौती दे डाली, राधा रानी पर कैसे छिड़ गया है रण, आइए देखते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भेड़ गए संत, प्रसिद्ध कथावाचक, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज SSP साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग, पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज, देश के दो बड़े संत जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं, प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को भिजाकर भागवत चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं किस बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढुम क्षमते न यच्छि सुखादे नाम तु यध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखाद के भी ध्यान में नहीं आने वाली है वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि रही, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। हे चार श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए, जो मनाया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी, कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने ये भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करे। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि माँ राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है,
जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज नहीं है, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से अयोध्या के संत भी हो गए हैं नाराज। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधते हुए वे भी नजर आ रहे हैं। में जो वर्णन है वो बरसाने का ही है, और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था, और बरसाने जो है यमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी, और जो आनंददायक क्षेत्र है इसलिए उसको बरसाने कहते थे, और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण। कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए, पूर्णतया गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से विषभान कुमारी हैं, और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है, यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में। पानी का जान का दुश्मन बन